फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट। माशाल्लाह जमात बनाई अंदर, बहुत अच्छा लगा, नमाज पढ़े और हकीकत में बहुत क्लीन फार्म है, बकरे साफ सुथरे हैं, मतलब कहीं से भी आपको दाग धब्बे मैले कुचले बाल ट्रिम किए हुए हैं, फूल वगैरह सब बनी हुई है। क्योंकि देखो एक बकरे वाला जब आता है ना तो ऊपर से नीचे हर चीज़ देख लेता है, समझे, क्योंकि वो बकरे का शौकीन है जी। तो अबू बकर भाई से तो मैंने एक बच्चा भी ले लिया हूँ। ये देखो ये बहुत लंबे लांगर के बोर है, जो बने वीडियो आपके बने और जो बकरे बिके या तो पब्लिक चल के आई या तो वीडियो के जरिए, और जो फ़ोन की तो उनका क्या डिमांड होता था, बकरे कौन से भेज दो, मैं आपके वीडियो का लिंक भेजता था, वो देखते थे वो थे, तो टोटल जो बिका ना समझो आपके यहाँ बहुत हेल्प हुई। सही बात, तो दैट इज व्हाट आई लव अबाउट योर फार्म के हाइजीन बहुत अच्छी मेंटेन करते हो आप। हाइजीन एक तो होता है, दूसरा क्या फर्क है, मैं ना हकीकत मानूँ मैं कभी ना किसी से सीखने में ना मैंने शर्म महसूस नहीं किया। एक आदमी के बोलते हैं ना एक पोजीशन होती है, तो पोजीशन है, अरे मैं दूसरे से क्यों पूछूं, बकरा मेरा मर जाए बोले ना, लेकिन मैं दूसरे से नहीं पूछूंगा, ये जो अंदर होता है ना ये कभी नहीं होना चाहिए। आपसे पूछना चाहूँगा, लास्ट टाइम आप कुछ ऑफर देते थे कि भाई मेरे पास रखो, खुदा ना खास्ता कुछ बकरे को होता है, तो वैसा कुछ ऑफर है अभी बकरा के? अभी अरे कल लेंगे ना भाई, उसमें क्या रखा है आप बताइए, क्योंकि बकरे को कुछ होता है ना तो वैसे ही हम शर्म में उसको दे देते कुछ है ना, तो अभी क्या करें। 25-30 हाँ उतना होना चाहिए, ना होना चाहिए 125 ही मैंने वजन किया था इसको, बराबर बोला 15 दिन पहले 129 केजी का है माशाल्लाह। ये 117 किलो की थी, ये 117 किलो का इसकी वीडियो है, बराबर 115। और ये बकरे बनेंगे सर, अभी देखो नॉर्मल 200 ग्राम अनाज दे रहे ना बकरे, उसमें तैयार हो रहे हैं। On top of that, you're getting mortality assurance as well. Not full refund, na? At least 50%. Assalamu alaikum everyone and welcome to FSC Entertainment. सिल्वर एग्रो एंड लाइफ स्टॉक गोट फार्म पे हूँ अबू बकर भाई के साथ। सलाम अलैकुम अबू बकर भाई। वालेकुम सलाम अबू बकर भाई। पहली मतलब आप दिसंबर में वीडियो बना रहे हैं, क्या वजह है इतनी जल्दी बकरे बतानी? नहीं नहीं खाली भाई इसी के बाद एक थोड़ा सा कहना समझो इंट्रो हो जाए जी, कि भाई माल अपने यहाँ पे क्या है, ऐसा सेल के लिए ऐसा नहीं, लेकिन ये नहीं दिखाने के लिए कि भाई बड़े बकरे हैं, इंशाल्लाह तैयारी पे लिए हुए, अब तैयार हो जाएंगे तो इंशाल्लाह बेचेंगे। एक बकरे बताने से पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए सीज़न कैसा रहा आपका और सीज़न के बाद क्या हाल है? देखो सीज़न तो ऐसा है ना फातमे, मैं ना फेसबुक पे हूँ ना इंस्टाग्राम, आपको पता है मैं इसे टोटल जो बने वीडियो आपके बने और जो बकरे बिके या तो पब्लिक चल के आई या तो वीडियो के जरिए, और जो फ़ोन की तो उनका क्या डिमांड होता था, भाई बकरे कौन से भेज दो, मैं आपके वीडियो का लिंक भेजता था, वो देखते थे वो थे, तो टोटल जो बिका ना समझो आपके यहाँ बहुत हेल्प हुई। कई मतलब ऐसा हुआ हमने प्रीमियर का खाली वो फ़ोटो डाल के रखा था जी, और फ़ोटो से ही 2-3 बकरे मेरे ख्याल से बिके अल्हम्दुलिल्लाह। और हम जब बकरे लेने आए थे पर्सनल कुर्बानी के लिए, मैं अबू बकर भाई को फ़ोन कर रहा हूँ कि भाई खुजामा को बोलो बकरे बताओ, इनका बेटा है, बट सारे बड़े बकरे बिक चुके थे। बड़े बकरे बिके, बड़े बकरे कैसा होता है ना, कैसा भी रजब लगा ना, रजब क्या शाबान का महीना लगा ना, शाबान के बाद बिकना शुरू हो जाता है। अभी ऐसे ये बकरे भी जो मैं दिखा रहा हूँ ना, जो बकरे बता रहे हो ये अभी तैयारी पे है, अभी ये नॉर्मल है, ये कम से कम अपने वेट से कोई 20 किलो, कोई 25 किलो, कोई 30 किलो ऐसा प्लस होगा, क्योंकि जो तकलीफें उठानी थी ये बकरों ने उठा ली, अब इनके बनने का टाइम है, अभी ठंडी में वजन, अब ये ठंडी में बनेंगे, गर्मी में अभी कोई डाउन हो जाए अलग बात है, लेकिन तजुर्बा ये है कि 99% बकरे अब बनते ही हर फार्म पे कहीं पे भी। अबू बकर भाई एक चीज़ मैं बहुत इंटरेस्टिंगली नोटिस कर रहा हूँ, प्रॉब्ली यू मेड अ चेंज इन योर डाइट, लास्ट टाइम ऐसा था कि भाई प्रॉब्ली गर्मी की वजह से था, इतने सारे बकरे को वो बड़ी बड़ी रसोलियाँ थी जी, आई डोंट स्पॉट अ लॉट ऑफ गोट्स, आई डोंट स्पॉट एनी इनफैक्ट अभी जी। कुछ डाइट में चेंज लाया आपने? नहीं डाइट तो डाइट तो वही नहीं नहीं वो जो थी ना एक्चुअली ये इमरान भाई नागौर वाला है, उसने बहुत हेल्प किया, उसके बकरों में भी थी, तो एक्चुअली एक दूसरे से हम कम्युनिकेट करते रहते, तो उसने अपने को बताया कि भाई ये जो है ना ये एक्चुअली कोई वजह से हो रही है, आयोडीन की कोई कमी की वजह से होती है ऐसा उसका, तो उसने वो चीज़ किया था, इंजेक्शन एक आता है वो दिया था उसने और अपने बकरों पर मारा, उसकी 100% उसका भी रिजल्ट आया, हमने भी वही चीज़ किया, अल्लाह का शुक्र हमारे पास भी तकरीबन सब खत्म हो गए। तो प्रिवेंट करने के लिए क्या क्वांटिटी में क्या सर्टेन फूड देना चाहिए जिसमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा है,
सभी लोग तो इतना रिसर्च नहीं करते आप, क्योंकि इतना बुक्स वगैरह पढ़ते भी हो जी। आप बताओगे कौन सा फूड जो है बकरों का इसमें आयोडीन की जो मात्रा इतना है? मैं नहीं, मैं ज्यादातर जो पढ़ता हूँ प्रोटीन मिल जाए, कार्ब मिल जाए, ये सब फैट मिल जाए, फाइबर मिल जाए, डाइट, ये सब मैं पढ़ता हूँ। अगर ये पहले पढ़ा होता तो इंशाल्लाह पहले आप उन कर लिए होते इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। नहीं, अभी अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इलाज है अल्लाह के फजल से, यानी बहुत आफियत हो रही है अभी अभी फिलहाल। बकर भाई अपने फार्म पे अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ अच्छे खासे बकरे हैं जी, ये सारे बिक्री के लिए है ये जितने? हाँ, ये तकरीबन इसमें 60-70 जो है पार्टियों के बकरे हैं, और 80 बकरे टोटल पार्टियों के हैं जो अपने पलाई पे हैं, ये सब है। बाकी ये सब बकरे अपने बेचने के, और भी पीछे मेरा माल है, लेकिन वो हमारे यहाँ पे बताया ना आपको कि बीमारी कुछ आई हुई थी, इसके लिए हमने माल मंगाया नहीं, अब ये माल मंगाए। सो अब जो बकरे बताएंगे उसमें क्या ऑफर दे रहे हो ईद तक के हमारे पास रखो एक एक्स वाई जी पलाई पर? अभी ये बड़े बकरे तो फिलहाल है ना, अभी बड़े बकरे सेल पे नहीं। हाँ, कोई रेगुलर अपना कस्टमर जैसा अभी आपके चैनल के थ्रू लास्ट ईयर भी बहुत से लोगों ने लिया जी, उससे पहले भी लिया, तो वो अगर आते हैं ना तो वो अपने को टर्म्स जानते हैं, मैं उनकी टर्म्स जानता हूँ, तो उसका एक बार हमारा आपस में सेट भी हो जाए मामला, लेकिन नहीं तो हमारा तरतीब यही है कि हम इसको बाद में ही बेचेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी जो बेचने के वो भी मैं दिखा दूंगा अभी बकरे। तो अभी बकरे बताने का उद्देश्य ये है कि बताएं कि हम बड़ा माल अभी भी खड़ा हुआ है, बड़ा माल खड़ा है इंशाल्लाह, तैयारी पे है, कैसा तैयार होता है, क्या होता है, उसमें मेहनत लगती क्या लगती, कैसा हम तैयार करें तो देखेंगे इंशाल्लाह। तो भाई ये तो अच्छा खासा मेरे ख्याल से 110 क्रॉस लग रहा है। हाँ, ये 117-18 किलो का 110 क्रॉस इजीली लग रहा है, 117-18 किलो का, इसका तो वजन नहीं किया। बिक्री के लिए अवेलेबल है जी? बिक्री के लिए है ये? सब बेचना है, सारे बेचने के लिए सब बेचना है। ये दांत तो पूरे होंगे? और क्या हाइट पे होगा? दांत पे हाइट मैंने कभी मापा नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से 42-41 से कम नहीं होगा, 42 हाइट होगा अच्छी। ठीक है, सारे लंबे बकरे ही है। हाँ, इनफैक्ट ये दबके खड़े हुए इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। एंड अबूबकर भाई हिमसेल्फ इज क्वाइट ओवर योर हाइट बाय द वे। मेरी 6'2" है। 6'2" तो और जाहिर सी बात है कि इनके सामने बकरे छोटे ही लगेंगे, इज वेरी टॉल। वो 115 किलो का है। अगर मशीन चालू है एक बकरा खड़े करके बता दें हम कांटे पे, कर लेंगे ना इसको भी, कर लेते हैं बड़ा बकरा एक ही, सब नहीं बताएंगे, एक आइडिया मिल जाएगा पब्लिक। 120 के करीब लग रहा है मेरे को, 117-118 आना चाहिए। मैंने भी हफ्ता भर पहले वजन किया थी। आप जब खरीदते हो बकरा ईद के बाद क्या वजन पे बकरे खरीदते हो आप? बकरे जैसे मिल जाए, कोई ऐसा नहीं होता। 135 पे पहुँचाने के लिए क्या वजन के बकरे आप? ये अभी 100 किलो की पट्टी थी, ये 100 किलो की पट्टी थी। अब मेरे पास आई थी कुछ 102 किलो की पट्टी है। अब यही पट्टी जो है अपना टारगेट है कि 135 तक के पहुंचा दे, चले जाएंगे। हाँ, इसमें 150 भी आ जाएगा, 120 भी रह जाएंगे, कुछ 140 वैसा करके 135 का अपना रेशो है कि पहुंच जाए। प्राइस बताना चाहते हो आप? नहीं नहीं, रेंज बताना चाहते हो? रेंज अभी ऐसा नहीं कि अभी खुद नहीं, बकरे बनेंगे तो खुद बेचेंगे। मेरी निगाह में हकीकत बताऊँ, बेचने में कोई दिक्कत नहीं, मेरे को अभी तक तसल्ली नहीं है बकरों से, तो मैं क्या कीमत मांगू जो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। कई लोग ऐसे हैं कि उनको पता है कि आपके पास बनेंगे, जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे सादिक भाई है, वो भी आपके पास पालते हैं, तो वैसे और भी लोग हैं जो देखेंगे वीडियो और शायद आप ही के पास रखे, बिकॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि आपके पास बकरे बनेंगे। सो कुछ एक अप्रॉक्सीमेट बता सकते हो ईद तक के कितना जाना चाहिए? डोंट गिव गारंटी, बट ये जो दो अब ये बकरा है ना नॉर्मल, ये बकरा है ना 130 तक के जाएगा, 130 तक। हाँ, ये जाएगा, कॉम्पैक्ट है, हमें यार ये जाएगा अभी मेरे ख्याल से 105 पे खड़ा होगा। हाँ, ये होगा 105 पे, ये 125-30 आराम से, क्योंकि कॉम्पैक्ट है वो बकरा जो है ना, वो ज्यादा बताए थे वो जो अभी 117 है ना जी, वो 145-155 के बीच तक जा सकता है इंशाल्लाह, अल्लाह ने बहुत अच्छी बड़ी फ्रेम का। हाँ, ये अभी 115 पे, ये भी 135-140 पे आएगा माशाल्लाह। हाँ, ये सारे पूरे पूरे दांत ये देखो बकरे लगे। हाँ, बकरे पूरे पूरे दांत के जी। और भी बता दो बकरे जो बाकी के हैं प्राइस के लिए। अबूबकर भाई, अबूबकर खुजामा का नंबर डालू आप ही का डालू एक बार? नहीं नहीं डालो ना, लेकिन मेरे को, हाँ मैं जा रहा हूँ परसों जमात में, 10 दिन मेरा फोन बंद है, किसी को भी रहेगा ना व्हाट्सएप पे मैं दोनों डाल देता हूँ। हाँ दोनों, नहीं वो भी जमात, वो भी जमात में है, तो व्हाट्सएप पे भाई को मैसेज कीजिए, इनको मैसेज कर दे। ये देखो, ये बकरा है तो उससे भारी है। हाँ, ये अभी 125 प्लस है माशाल्लाह। ये बकरा है, ये बकरा तो गोल्डन में क्या खूबसूरत है, लेके आइए वो बकरा माशाल्लाह। वो बकरा बहुत अच्छे खस्सी बकरों में, आई थिंक योर फार्म इज़ वन ऑफ द बेस्ट फार्म्स माशाल्लाह, वन ऑफ द बेस्ट फार्म्स। मेरे को इतने अच्छी तैयारी पे बहुत कम जगह बकरे दिखते खस्सी बकरों में, बहुत अच्छा फार्म है आपका। एंड वन थिंग आई मस्ट अप्रिशिएट, मैं कई फार्म पे गया हूँ बकर भाई, द क्लेनलीनेस यू कीप,
जगह साफ रहती है हमेशा। इनका एक फार्म ऐसा है कि भाई अंदर बैठने, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट एसी, इट्स लाइक ए प्रॉपर होम। क्लेनलीनेस इज, बोलते हैं ना, नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, एक कहावत है। सो दैट इज व्हाट आई लव अबाउट योर फार्म, के हाइजीन बहुत अच्छी मेंटेन करते हो आप। हाइजीन एक तो होता है, दूसरा क्या फर्ज है, मैं ना हकीकत मानूँ, मैं कभी ना किसी से सीखने में ना मैंने शर्म महसूस नहीं किया। एक आदमी के बोलते हैं ना एक पोजीशन होती है, तो पोजीशन है, अरे मैं दूसरे से क्यों पूछूं, बकरा मेरा मर जाए बोले ना, लेकिन मैं दूसरे से नहीं पूछूंगा। ये जो अंदर होता है ना, ये कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा आप सीखो। अभी आपके साथ अपन ऑफिस में बैठे, मैंने अपनी दिल की बात रखा, ये नहीं रखा अरे भाई मैं भी फार्म वाला हूँ, अगला भी इमरान में भी फार्म वाला है, वो चीज़ कभी दिल में नहीं आनी चाहिए। सीखो सीखो, उसमें क्या फ़ायदा। अभी मैं गया अहमदाबाद, गया इलियास भाई के पास, उसको छपरे का था, मैंने छपरे वाले को बुला लिया, वो पूरा खोलूंगा ठंडी में गर्मी। तो ये सब क्या होता है, सीखने, हम हर जगह जाए सीखने की नीयत से तो बहुत नफ़ा होगा, अपने को भी होगा, लोगों को भी, और फिर अपनी चीज़ों में भी उसका नफ़ा दिखेगा। इसमें कोई बुराई नहीं रखना कि भाई मेरे को जो मालूम मेरे अंदर ही रखूँ, लोगों को अपनी अच्छाई भी बताए ना, अपने को जो मालूम है बताओ, उनसे भी सीखो, ये बहुत अच्छी। हाँ, आपके तो इसमें आपको नफा दिखेगा। एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि आप किसी के एक महीने दो महीने, यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस जी। मैं जब भी देखता हूँ, यू आर ऑलवेज एट योर फार्म, लोक डोर इज लॉक्ड एंड आप अपने बकरों से ही, यू आर इंटरेस्टेड, यू डोंट गिव अ हूट कि भाई क्या चल रहा है आगे। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं था। आई थिंक दैट इज हाउ थिंग्स शुड बी लाइक, focus on your goats and that is what I love about your thing. And namazi hai bhai, inse namaz to har koi padhta hai, koi padhta hai, but still this is what I love about your goat. Aur price jo hai ji, you still negotiate price hai na, main inshallah main aap dekho, main achhi deal deta hu. Ha, abhi ye bade bakre main dikha raha, dekho bade bakre hum bhi mehenge late hain, aisa nahi ki nahi late, खूबसूरती का पैसा हम भी फेंक देते कहीं पे, वो लाते, अब उस पर एक्सपेक्टेशन होती कि वो लेगा, ऐसा नहीं। जो मेरे पिछले साल भी बकरे थे ना, तो वो बिके, और वो आपके वीडियो से बिके, ऐसा कोई नहीं कि भाई मैंने बनाया अपनी पार्टियों को दिया या लोग आके लिए। आई थिंक ये आपका बड़प्पन है कि आपने एक्नॉलेज किया कि वीडियो से बिके, आपके भी बहुत अच्छे रेफरेंस। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लास्ट टाइम आप कुछ ऑफर देते थे कि भाई मेरे पास रखो, खुदा ना खास्ता कुछ बकरे को होता है, तो वो ऐसा कुछ ऑफर है अभी बकरे तक के? अभी अरे कल लेंगे ना भाई, उसमें क्या रखा है, आप बताइए, क्योंकि बकरे को कुछ होता है ना। हाँ हाँ। तो वैसे ही हम शर्म में उसको दे देते कुछ है ना, तो अभी क्या करें, आधा आधा नुकसान बोल दीजिए, आप अपने जुबान बोल दीजिए, जो भी लेगा बकरा ना भाई, खुदा ना खासा कुछ भी होता है बकरे को ना, हम आधा आधा आपस में बैर कर लेंगे, 50-50% जो वैल्यू। मिसाल के तौर पे भाई, 1 लाख का बकरा बिका, 50 लाख, ये भी बता दीजिए, कुछ भी होता है का मायने, वरना लोग थोड़े कुर्बानी के लिए, अगर इन्हें फॉल्ट आ गया कुर्बानी के लिए और मर गया बकरा, बस सिंपल बात यही है ना, मोर्टेलिटी पे। हाँ, मोर्टेलिटी पे, और कुर्बानी के लायक भी नहीं रहा, ऐसा कुछ आ गया, तो भी आपका भी दे देंगे भाई, इंशाल्लाह आधा रिटर्न कर देंगे इंशाल्लाह। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, अब बकर भाई पूरे दांत पे है ये बकरा? बकरा पूरे दांत पे, इसकी खूबसूरती है मैंने खूबसूरती। अब बकरा इसमें कोई रुकाने वाली चीज है अगले साल के लिए? अगले साल इसमें रुकाने के लिए नहीं, इसमें रुकाने के लिए पलटी वाले बकरे इसमें नहीं, वो जो नए लॉट है ना उसमें बहुत बकरे। ओके ओके, ये कितना, 100 किलो है? हाँ, ये सब 100 प्लस ही है, 100 105, 105 के आराम से होगा ये, माशाल्लाह। ये है एक, ये गुजरी बकरा भी, वो लेके आइए, छोड़ दो उसको, लेके आइए, ये लो एक बार, लो उसको पकड़ो, एक बार मेवाती पंजाबी मिक्स। अब अगर भाई ये सारा है ना ईद का स्टॉक, आप अभी बता दे रहे हो, मैंने आपको बताया था ना पीछे था ना, जी 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 जी, माशाल्लाह। ये पंजाबी, उसका गले, हाँ देखो उसका, हाँ। माला देखो, छोड़ दो छोड़ बकरे को, ये देखो गले की लटक देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह, बकरा बहुत खूबसूरत अभी बनेगा, सारे के सारे खूबसूरत है, स्पेशली लाइक दैट गोल्डन वन। हाँ, एक उसका प्राइस तो बता दीजिए वो बकर भाई, कौन सा वो दे दूंगा मैं, बकरे इतने के पलाई साथ ना, 120 में दे दूंगा, जाओ पलाई तक के, पलाई तक के 120 जाने की गुंजाइश है उसमें, अभी वो बकरा है ना 105 किलो, क्या बात कर रहे हैं, 105 चले जाएगा फिर आराम से, कॉन्फिडेंट अबाउट योर पलाई, इजीली चला जाएगा 120 में, अगर आपको ये दाम में मिलता है अच्छा ही है, क्योंकि मर गया बकरा, दोनों 60-60 हज़ार से लेंगे, परफेक्ट। लेकिन बकरा अगर नहीं, देखो एक चीज समझ लो, खुदा ना खास्ता बकरा बीमार हो, कुर्बानी के लायक है बकरा, नहीं बना ये नहीं बना, तो उसकी भी हमारी जवाबदारी नहीं है, नहीं, वो आपने खिलाने पिलाने की मेरी जवाबदारी है। और यहाँ अब कुर्बानी में कोई डिफेक्ट हुआ, पैर टूट गया, सिंग टूट गई, कान कट गया, ने शरई उजूर आ गया, तो भी मैं 50 नुकसान फैलूंगा। और बनते ही है यहाँ पे मोस्टली, अल्लाह नहीं बनते तो कोई जानबूझ के ऐसा नहीं कि नहीं बनाता जी, ठीक है माशाल्लाह। वो घोड़े जैसा बकरा बेचना है आपको? हाँ नहीं नहीं, ये सब ठीक है, ठीक है। और दूसरे इसको अंदर डाल दो, दूसरे निकाल, हाँ डाल दी, मैं पॉज करता हूँ। ओके, बकर भाई बहुत अच्छा बकरा माशाल्लाह जी, और इजीली आई थिंक 125-30, हाँ उतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए,
125 ही मैंने वजन किया था इसको, बराबर बोला, 129 kg का है माशाल्लाह। माशाल्लाह ये रोज बढ़ता है, 129 किलो ये रोज बढ़ता है माशाल्लाह, और ये खाता ही बहुत है और अच्छा माशाल्लाह। नहीं नहीं बनेगा, 41-42 हाइट, हाँ नहीं हाइट तो कम है, 39-38 होगी हाइट होती है। नहीं नहीं ज़्यादा लग रहा है मेरे ख्याल, नहीं नहीं ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, 39 ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। 130 kg का अगर मेंटेन भी रहा ना भाई, ऐसे नहीं एक्सपेक्ट, अरे नहीं कम से कम मैं बता रहा हूँ ना, वो अपने टकला गोल्डन बनाए थे याद है पिछले साल, यही हाइट का था, 149 kg में डिलीवरी हुआ था। नहीं मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई एकदम ज़्यादा की लालच में मत जाओ, वो ये मेंटेन रखता है इतने के तो भी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि 140-145 तो हंसते जाएंगे टाइम पे, कितने महंगे मिलते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं। और ये साल तो बाजार बहुत महंगी चल रही है, छोटे बकरे का जो होलसेल का बाजार है ना 50 किलो 40 किलो, लौट लौट की बात हो रही 500, पीपाड़ में 500 रुपये का भाव है। अब कुछ लोग जो है वो पलाई भी इंक्लूड कर देते हैं कॉस्ट में, भाई ये तो अपने नसीब का खा रहा है, आप भी बकरा लोगे तो भूखा थोड़ी रखोगे उसको, वो तो नसीब का खा रहा है भाई। जानवर भूखा रहेगा ना तो कल आखिरत के अंदर बहुत बड़ी पकड़ है इसके लिए। लोग क्या पलाई फीस भी ज्वाइन करते हैं, उसके साथ आपका शौक भी हो रहा है, ये भी देखिए अगर आप पलाई दे रहे हो तो आपका शौक पूरा हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, ओनरशिप हो रही है। चलिए पॉज करता हूँ, दूसरा लेके आता है अबू बकर भाई, दूसरा स्टॉक जी बोर बकरे का जी, बोर है जी, ये 4-4 दांत पे है, खस्सी बोर है जी, और ये निकालना है, 2 पार्टी के 2 मेरे। अच्छा कोई लेना चाहता हूँ, ये जो पकड़े हैं ना दोनों, वो भी खस्सी कर दी हो आपने, वो हाँ, वाला जो लेके खड़े हो, ये एक मेरा है और दूसरा वो वाला मेरा, 4-4 दांत पे है, 4-4 पे, सब 4-4 दांत पे, एक एक वो 2 पार्टी दांत बता दोगे, एक सिर्फ बकरे का, हाँ दिखा दे, 4 दांत पे बकरे है, एक का वजन करा लोगे, हाँ करा दो डाल दो, ये पार्टी का है, हाँ ये वो भी डाल देगा, ये अपना है, डाले 84 आई थिंक अप्रोक्सीमेटली सेम, हाँ सेम ही, सेम ही, सेम ही, सेम ही, सेम 1-2 किलो ऊपर नीचे रहेंगे, डाल डाले 83, वही 82-83 हाँ। 84 kg के बकरे हैं। अब अगर भाई कितने में देना है आपको ये? नहीं ये देना है पर्सनल, कोई जिसको पसंद हो ना फोन कर ले, पार्टी से बात करा दूंगा, डायरेक्ट नंबर दे दूंगा, बात कर ले उससे, और पार्टी में से बात करे तो भी चलेगा, वो दे देंगे। इसका क्या है ना, एकदम से वो रेट बोले ना बोला, क्योंकि देखो फार्म पे ना मेहनत ज़्यादा है, अब वो आदमी है ना हमारी मेहनत को देख के, इसके लिए हमारा थोड़ा यानी रेट जो रहता है ना, हम लोग केयर टेकिंग ये सब का बम्बई का खर्चा ज़्यादा है, अब इसको लेके आप पीपाड़ या राजस्थान या गुजरात ये सब का रेट करेंगे, थोड़ा जाहिर सी बात है फर्क आएगा रेट में। ठीक है वकर भाई, हमारे साथ एक और शख्सियत है, वुड यू लाइक टू इमरान भाई ने खास बोले भाई बोर बकरा जो है, वालेकुम सलाम इमरान भाई, क्या इमरान भाई को बोर बकरे पसंद है? नहीं नहीं पूरे बॉम्बे में फेमस है ना बोर की पलाई के हिसाब से, माशाल्लाह बोर और माशाल्लाह बहुत आएगी। कितने बकरे इमरान भाई अपने पास बोर बकरे? मेरे पास बोर इस वक्त हाल फिलहाल अंडू में होंगे कम से कम, मैं समझता हूँ 55 से 60 अंडू लोगे बोर। इमरान भाई ये बड़ा जुलुम करते हैं, खसी के डालते हैं सब बकरे को। फाद भाई अगर मैं आपको मेरे पास अंडूल अबू बकर भाई कम से कम मैं समझता हूँ 350 के ऊपर होंगे। फाद भाई यकीन जानना आप, हकीकत अगर मेरे पास जगह होती ना यहाँ लेके आइए 2-3, हाँ मैं 4 बोर खरीद देता था। हाँ मेरे पास प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मेरे पास ना खस्सी की जगह है ना अंडुल की जगह। इमरान भाई कैसे लगे बोर ये बताया? बहुत बहुत अच्छे 4 दांत पे अगर 80 किलो इमरान भाई जो आप लोगों को बोलते हो जी, बहुत अच्छे बोर है। मतलब पहुंचाना है तो झूठी तारीफ नहीं करूंगा, जो सच है मैं वो बताऊंगा। अबू बकर के भाई, अबू बकर भाई के बकरे माशाल्लाह बहुत अच्छे है, रख रखाव बहुत अच्छा है, बहुत नीट एंड क्लीन फार्म है, माशाल्लाह जमात बनाई अंदर, बहुत अच्छा लगा, नमाज पढ़े और हकीकत में बहुत क्लीन फार्म है, बकरे साफ सुथरे हैं, मतलब कहीं से भी आपको दाग धब्बे मैले कुचेले बाल ट्रिम किए हुए हैं, खोद वगैरह सब बनी हुई है, क्योंकि देखो एक बकरे वाला जब आता है ना तो ऊपर से नीचे हर चीज़ देख लेता है समझे, क्योंकि वो बकरे का शौकीन है जी। तो अबू बकर भाई से तो मैंने एक बच्चा भी ले लिया हूँ,
लेकिन वो अल्लाह ने चाहा तो ईद में सौदा हो जाएगा उसका। बता दीजिए कौन सा बकरा। नहीं नहीं इमरान भाई देखना चाहेंगे, इमरान भाई देखना चाहेंगे कौन सा बकरा लिया है। बहुत अच्छा बच्चा है क्या ये जी? कौन सा अच्छा बच्चा है? मैंने गुजरी का बच्चा लिया हूँ मेरे पर्सनल के लिए। इमरान भाई लोगों को बताना क्या देख के लिया अभी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बकरे हैं और आपने क्या देखा? वो अगर मैंने बोले फात भाई देखिए वो इमरान भाई ऊपर वाला देखो लेके आओगे एक बकरे कमल पे एक हल्का सी फोड़ निकला हुआ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इमरान भाई इनमें फात भाई में ज्यादा पोटेंशियल होता है। ये जो बोल है ना फात भाई, ये कोई भी लेवे हाँ। अब वक्त भाई उनको दे, ये देखो ये बहुत लंबे लांगर के बोर है, ये आज से लेके डेढ़ साल मतलब अगली ईद तक के जो है ना फात भाई ये रुक सकते हैं। मैं विश करता काश मेरे पास जगह होती, मैं चारों ले लेता फात भाई हाँ। मैं चारों ले लेता, यकीन जानना ये बहुत जबरदस्त क्या पोटेंशियल के है। ये पोटेंशियल के यही साल ये साल ये कम से कम 110 मारना चाहिए मेरे हिसाब से। 85 है, चलो मैं बताता हूँ 100 भी पकड़ते हो ना तो 6 दांत पे जाएंगे ये बहुत। अगर 8 फ्रेश भी लगाए तो एक साल और रुक सकते हैं। तो जब ये और रुकेंगे ना फात भाई तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे बनाएंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। ब्लड लाइन के भी अच्छे, ये देखो ये बच्चा देखो इसकी लेंथ देखो कितनी लंबा, ये जो पहला है ना फात, आपको मालूम है बकरा मैं पीछे से देखता हूँ फात भाई बिल्कुल। ओके तो बकरे माशाल्लाह बहुत अच्छे है। ये बच्चा मैंने इमरान भाई ये बच्चा जो है ये आपने क्या देख के लिया फात भाई? देखो अबू बकर भाई बैठे हैं और अबू बकर भाई ने एक बताओगे इसका बताओगे क्या बात में अभी बता सकते हो कि आपने क्या चीज निकाल ली? नहीं नहीं जो बड़ा वाला इसका भाई जो है बाद में के लिए, लेकिन ये बकरा मैं ले लूंगा इनसे ईद के वक्त में। दो अगर ये अभी दो दांत होगा फात भाई, ये अल्लाह ने चाहा तो फात भाई 44-45 जाएगा बकरा समझे, ये 44-45 जाएगा बकरा इंशाल्लाह ताला। बकरा मैंने जब कांटे पे खड़े करोगे इसको अब वो अबू बकर भाई जान भाई आप ऐसे ही बकरे लेने बोलते हो ना दो दांत और अच्छे खासे 65-70 होगा बकरा। बहुत बहुत अच्छा बकरा है माशाल्लाह माशाल्लाह 70 67.5 बड़े खस्सी भी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा बहुत अच्छे बहुत अच्छा कलेक्शन है इसके। भाई खड़े हैं मेरे पास 135 किलो माइक और एक कुरला वाले अतर भाई है उनको एक दिया था 50 किलो पे बच्चा दिया 70 किलो पे दिया था मैंने वो भी 4 दांत पे था। आज उनके पास खड़ा है वो 140 किलो पे इसी का भाई इसी का भाई बताएंगे वो अप्रॉक्सीमेटली रेट आप अपने बकरों की तो बता सकते हो ना क्लाइंट की नहीं बता रहे हो तो। नहीं ये जो है ना दो आपके जो लेने वाला होगा फोन करे पर्सनल पसंद करे भावताव कर लेंगे ठीक है। कोई इंशाल्लाह कोई हाई फाई महंगा नहीं है बकरा। ओके ओके और इसके लिए कॉल ना करे ये बिक चुका है इमरान भाई को हाँ, ये देख लिया मैंने। चलिए और है अपने पास बताने के लिए फिलहाल मैं पॉज करता हूँ। अबू बकर भाई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉक अब क्या बताने वाले हो आप हमें? जी ये बकरे हैं नॉर्मल सोजत के, इसमें दो बकरे अलग हैं वो पहले दो में दिखा देता हूँ बड़े बकरे को। क्लाइंट के नहीं नहीं मेरी ये खुद के ये पकड़ दो पकड़ लीजिए आप सामान्य पकड़। अब बकर भाई आप हम यहाँ पे आएंगे तो बकरे थोड़े प्लेटफॉर्म हाँ, पे ऊँचे दिखेंगे आप ऊँचे यहाँ पे लेंगे शाबा वो ले हाँ ये ले बाकी को हटा अकबर छोड़ दे अकबर छोड़ दो बाकी सब बकरों को हटाओ अकबर ये दो कोई लाओ ये आमने सामने लेके खड़े लीजिए आप माशाल्लाह। अब बकर भाई क्या वजन के बकरे हैं अप्रॉक्सीमेटली? 117 किलो भी था अभी तो माइनस होगा क्योंकि अभी अनाज वनाज बंद है जी 110 और ये 111 किलो पे था बस वो अभी कितना 95 लग रहा है मेरे नहीं नहीं 111 किलो पे था अब जो भी माइनस है अच्छा क्योंकि दाना आज ही शुरू किया बोला 200 ग्राम मैंने दिया ओके ओके हाँ 111 किलो पे है। कितने दांतों पर है ये दांत तो पूरे हो गए दोनों बकरे ले लीजिए करो पूरे है दांत तो आइए लेके आइए वजन पर हाउ मच आर वी आस्किंग अबू बकर भाई कितना? ये दोनों कोई लेता है बकरी की चराई वराई के साथ है ना उसको दे देंगे 2.5 लाख रुपया जोड़ी 2.5 लाख रुपया जोड़ी हाँ ये तो अच्छा है मुझे 95 लगा लेकिन 111 किलो माशाल्लाह ज़्यादा टूटा नहीं है 106 ही है नहीं तो 5-6 किलो अभी यानी समझो आराम ही करे तब से ना 5-6 किलो आए हाँ किसको चाहिए ना तो अपने पास 111 किलो की वीडियो भी सेंड कर देंगे हाँ ऐसा नहीं ये तो 115 लग रहा है ये 117 किलो का इसकी वीडियो है बराबर 115 अप्रॉक्सिमेट और ये बकरे बनेंगे सर अभी देखो नॉर्मल 200 ग्राम अनाज दे रहे ना
बकरे उसमें तैयार हो रहे हैं। क्या हाइट के बकरे हैं ये अप्रोक्सीमेटली? हाँ हाइट तो होंगे 38-39। पैर पुर्जे के ठीक है ना? एकदम बनने वाले बकरे, एकदम बनने। मैंने जब लिया था यकीन मानो चार दांत पे थे, अभी आठवां दांत लगाए 6 महीने के अंदर ठीक है। मारिया मत, मारिया मत छड़ी से यहाँ पे लेके आई इसके लिए। एक ये है और दूसरा ये वाला है, इसका ब्राउन पैर है ना, पैर पे पैच है, दूसरा ये है। ये सामने वाला बहुत जबरदस्त। हाँ ये दो बकरे किसी को लेना, अच्छे एकदम बनने वाले क्वालिटी सोचे बोलते हैं ना, एकदम हाई फ्रेम वो है दोनों। ये रोकने वाली नेक्स्ट ईयर के लिए कोई चीज़ है? नहीं नेक्स्ट ईयर के लिए ये इतने ये रोकिए, ये इसका इसका चेहरा बताइए बाजू करके। बाकी इसके अलावा जितने बकरे हैं ना माशाल्लाह, ये ले लो ना कोई भी है ना, वो दो को अंदर डाल दो। ऐसे ही खड़े रखिए आप, उस और जाइए। हाँ उसका पैच दिखा, पैच बताइए उसका। ये 95 किलो पे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरा है। हाँ ये 95 किलो पे था। ये कौन सी नस्ल में आएगा? हाँ ये सोजत, सोजत ही है ये सोजत माशाल्लाह। हाँ ये सोजत में आएंगे, बहुत अच्छे बकरे हैं। अबू बकर भाई जी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इतनी जल्दी के इतने अच्छे बकरे देखने मिले, बहुत वेरी इंप्रेसिव। अब ये तैयार भी होंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छे तैयार होंगे। ये तो अभी गंदे हुए ये हुए, मैं आकर एक्चुअली वहाँ की वीडियो आपको दिखाऊंगा। कुछ काटे पे डालिए, अभी होगा मैं 5-1 किलो माइनस होगा क्योंकि बकरे सेट करे ना, मैंने बताया ना 94 95 किलो पे था। पोटेंशियल है इसका? अरे ये कम से कम जाएगा 120 किलो, तो आराम से किलो आराम से सोजत है ना ये। और ये बकरे ना ये वजन पे नहीं है, ये बकरे दिखने में बहुत खूबसूरत है, वजन की कीमत नहीं है। इनकी बगली देखो, इनकी पेटी देखो, तैयारी ये सब देखो ना। अब ये बकरा खड़ा है देखो, नॉर्मल ये खा रहा है। ये देखो ये भी 95-100 किलो का बकरा है। ये देखो तो 105 क्रॉस है। ये देखो खड़े करो इसको, कांटे पे डालो। अबू बकर भाई जितने बकरे हम बता रहे हैं इन सब में आपको मोर्टैलिटी का 50-50 दे, मोर्टैलिटी में बिल्कुल 50-50 राइट? बिल्कुल अगर मोर्टैलिटी होती है यहाँ पे नहीं नहीं 90-94। हाँ तो माइनस ही है ना, कोई वीडियो जो बन रहा है जस्ट टू लेट यू नो, ये दिसंबर के महीने बन रहा है, 17 तारीख है आज जी। बकरा ईद कभी है इस मरतबा? 30 जून, 28-30 के बीच में है। जून में है ना कि जुलाई में? जून में है, स्टिल हैव 6 मंथ्स, 6 मंथ की पलाई। अदरवाइज हाउ मच डू यू चार्ज पलाई का? अभी पलाई पे तो मैं कोई बकरा ले नहीं रहा, ये भी जो ले रहा है लमसम, लमसम जो है ना जो है वो तो लिया मैंने बराबर। अब नेक्स्ट ईयर का देख, क्योंकि इस साल 18 रुपये थे चने का छिलका खिलाए थे, आज का रेट है 25-26 रुपया। घोड़ा जीरा का रेट था 26 रुपये का, आज का रेट है 36 रुपया। तो कहाँ जा रहा है क्या जा रहा है, हम हरी पत्ती की रेट तो गिर गई है। हरी पत्ती तो हम कॉस्टिंग ही किए थे 20 रुपये से ना, तो उस टाइम बढ़ी थी तो भी खिलाए थे, अभी तो हार्वेस्टिंग का टाइम है। हाँ तो अभी अभी नहीं, टोटल 60% ग्रोथ हुई उसकी वैल्यू। आप पिछले साल है ना 10 रुपये मिलती थी हरी पत्ती, आज 15-16 रुपये का भाव है, 19 रुपया फिल्टर का भाव है, डबल फिल्टर का। तो ऑलरेडी 60% रेट बढ़ गया है, तो ऐसा नहीं हुआ कम हुआ, और आगे और भी, अभी सीजन पूरा साल पड़ा है, आगे क्या होगा क्या पता। अबूबकर भाई जो लोग लास्ट मोमेंट पे ईद के टाइम पे खरीदारी करते हैं खसी बड़े बकरों की जैसे हम लोग हैं, उनको आप क्या एडवाइस देते हो, स्टिक टू दैट के चेंज करें पहले ले लें? भाई इस साल तो ऐसा है ना कि भाई देखो लास्ट बकरीद के टाइम पे लेने में फ़ायदा क्या होता है रमज़ान ईद बाद, कि भाई चॉइस मिलती है आप, लेकिन बकरी रमज़ान बाद ईद बाद मत रुको, शाबान रमज़ान से 1 महीना पहले आप खरीद लो बकरे, उस टाइम आपको चॉइस बहुत मिलेगी। हर फार्म पे अच्छे बकरे दिखेंगे जो सोल्ड नहीं हुए रहेंगे, उसमें से आप सिलेक्ट करके ले सकते हो, तो ये आपको बेनिफिट होगा। अबू बकर भाई मैं आया था देवनार खुलने से पहले मेरे ख्याल से, आप ये बजाय देवनार जब खुला क्या इम्पैक्ट पड़ा आपको? भाई कमेंट आया था कि भाई देवनार की वजह से अपन स्टॉक क्लियरिंग सस्ता दे रहे बराबर, लेकिन अब बेचारे वो कमेंट तो डाल दिए, देवनार हमसे भी तेज भागा, इतना तेज गया कि पूछो मत। क्वालिटी तो छोड़ दो, देखो वहाँ पे देवनार है ना गरज का धंधा है, माल कम रहेगा तो बेचने वालों की चांदी, माल ज्यादा रहेगा तो लेने वालों की चांदी। आप गए थे? क्वालिटी कोई मैटर नहीं वहाँ करती है। विजिट देवनार जैसे नहीं नहीं नहीं, मैंने अपनी डिलीवरी चालू थी, अपन कहाँ काम छोड़ के जैसे मैं किसी का बकरा अदली बदली हो गया तो कुछ हो गया। देवनार शुरू हो गया जी, क्या पैनिक मोड में जो बकरे बच गए थे आप पैनिक मोड में चले गए? अभी मेरा मेरे पास बकरे नहीं, मैं तो स्टॉक क्लियरिंग डाल दिया था, आपने वीडियो भी डाले, देवनार खुलने से पहले अपन ने स्टॉक क्लियरिंग डाले, क्लियर हो गया था तो क्लियर ही हो गया था, बट लोगों का फुटफॉल कम हुआ था क्या वही था? नहीं 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 और ज्यादा, क्योंकि देवनार में जब जा रहे थे तो उनके एक्सपेक्ट के मुताबिक ये था कि भाई इस साल देवनार खुलेगा, 3 साल बाद शाम होगा, माल आएगा, ये आएगा, वो एकदम अलग हो गया, माल भी कम आया और क्वालिटी भी ना के बराबर आई, और जो आई तो सुबह अगर 1 लाख रुपया मांग रहा दूसरे दिन तक 2 लाख पे पहुंच गया वो। आपके भी साथ भी हुआ एक बकरे के साथ, मैं देखा वीडियो में, अच्छा भी नहीं लगता। हाँ
कि 1 लाख रुपया मांग रहा था, गाड़ी से उतरा बाजार में गया तो 1.5 कर दिया, दूसरे दिन तक 2 कर दिया उस बकरे। तो वो वहाँ पे किसी का इन्हें आँख में शर्म नहीं, वहाँ पे कैसा है मालूम है कि गरज का धंधा है, जैसा बाजार चल रही उसके हिसाब से बहेंगे, नुकसान भी खाएंगे तगड़ा, नफा भी करेंगे तगड़ा। ये बात तो माननी पड़ेगी कि आप फार्म वालों ने देवनार वालों का बिजनेस खाया है। नहीं नहीं, इधर देखो फार्म पे कितने फार्म है, मुश्किल से भाई देवनार जो मार्केट है जो क्रीम क्राउड है वो आप लोगों ने अट्रैक्ट कर लिया। हाँ, क्रीम क्राउड के हिसाब से आप बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे साफ सफाई रहती है, बकरे से जो देवनार में भी आते हैं ना बकरे वो अच्छे आते हैं। महंगे खरीदने वाले हैं वो अभी फार्म से ही ज्यादा लेते हैं, उनको उनको समझ में आ रहा है ना कि भाई यहाँ मेन क्या होता है। देखो आप समझो बात को, जो बड़े बकरे होते हैं वो गाड़ी से जब आते हैं 10 से 15 किलो वेट तोड़ देते हैं, जो व्यापारी है ना उसको जो तैयारी पे उसके घर पे था वो तैयारी पे लाना है, तो तैयारी पे लाने के चक्कर में वो बेचारा बकरे को फटाफट खिलाता है, हालांकि उसका पानी बदला है सब कुछ बदला है, तो उसके तो बकरा बीमार पड़ने का, लेकिन वो उसकी मजबूरी है कि बकरा दिखेगा तो ही बिकेगा। अब मैं घर का फोटो दिखा कि आज बकरा अगर डल दिखे तो कोई नहीं लेगा ना, तो वो मजबूरी उनकी रहती है, और ग्राहक को लेने वाला वो बकरा देख के लेता है। तो ऐसी चीज़ें पानी पिला दिए, ज़्यादा कर दिए, ये कर दिए, दाना खिला दिए, तो उसमें डाइजेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो वो लेने वाले को तकलीफ होती। तो यहाँ पे क्या है, अब खुला आदमी बोल के दे रहा है 50% मैं दूंगा, ये दूंगा, तो आदमी भाग के थोड़ी जाएगा, ऐसा है। तो वो मेन ट्रस्ट का काम है। अब इसमें फायदे देखो, जो दूसरे बकरे हैं ना वो 2 बकरे में हटा देता हूँ पहले, ये हटाए ये, और तो दूसरा उसकी जगह पे हटा दिया दूसरा ला। नहीं नहीं नहीं, एक ही डाला ना अंदर, हाँ ये डाल दी जी। अब देखो ये बकरे हैं ना, ये तकरीबन 85 से 95 किलो के बकरे बराबर, ये कोई लेता है ना तो वजन के हिसाब से ही मैं दे दूंगा किलो, हाँ, किलो के हिसाब, हाँ, से इसका कैलकुलेशन मैं कर लूँगा, मैं पॉस्ट कर दूँ, मैं कैलकुलेशन कर लूँ जी। अब बकर भाई कही कैलकुलेट कर लिया आपने जी? जी, इसमें जो है ना देखो 55 से लेके 65 तक के 1000 तक की रेंज के बकरे, और ऑन एवरेज मेरे ख्याल से 95 किलो के बकरे हैं। इसमें हल्के में हल्का बकरा जो है ना, हाँ, ये तकरीबन समझ लो 85 किलो का एकाद होगा, ओके, उससे लेके 95-99 के बीच में बकरे हैं, हाँ 100 के आसपास भी एकाद होगा, लेकिन अभी वेट कम है, लेकिन उसको अपन वहाँ की वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। 55,000 का भी बकरा ही, इफ आई अंडरस्टैंड। नहीं नहीं, अभी का प्राइस उस पर टोटल समझ लो ना, टोटल है ना समझो, यानी 78,000 से लेके, हाँ 88,000 तक के बकरा तक की पलाई वाली के साथ। तक के क्या, यू नॉट गारंटिंग आई एम श्योर, बट 110 क्रॉस करेंगे आराम से, ये बकरे कोई भी लेगा ना 20 से 25 किलो क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ऑन टॉप ऑफ दैट यू गेटिंग मोर्टेलिटी अश्योरेंस एज वेल, नॉट फुल रिफंड, एटलीस्ट 50%, लेकिन बकरा अगर नहीं बनता है तो वो चीज के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं साफ बता रहा हूं, हम वेट की इंश्योरेंस नहीं दे रहे, मोटर बराबर, हां ठीक है, ठीक है, किसी को भी लेना है नंबर आपका और खुजामा का डाल रहा हूं, इनको व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप कर दे, हां मैं इन केस ही डजंट पिक यू पिक अप योर कॉल तो आपको व्हाट्सएप पे डाल दे, मैं आगे पीछे रिप्लाई दूंगा पक्का इंशाल्लाह। ओके, और बाकी की वीडियो फिर बनाएंगे बाद में, बनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू।